नमस्कार हम सुप्रभात दोस्तों, दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्वच्छ भारत, शुद्ध भारत, स्वच्छ सर्वेक्षण नगर निगम जोधपुर दक्षिण। दोस्तों, आज अपन चल रहे हैं एक बहुत ही अच्छी जगह पे, मधुकेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पे उत्तराखंड के एक समाज है, उनका एक बहुत सुंदर कार्यक्रम है। अपन चल के देख के आते हैं। पंडित जी, शुभ नाम क्या आपका? हनी जी। सर, ये क्या कार्यक्रम चल रहा है, हमको माता जी का पूरा ये व्याख्यान बताएं। नंदा देवी की वार्षिक लोग याद हर 6 महीने जो होती है, प्रवासी भारतीयों के लिए अपने संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए हम अपने मंदिर से प्रतीक चिन्ह के रूप में माता जी की डोरी अपने प्रवासी लोगों के बीच में लाते हैं। हमारे ये प्रयास है कि हम जो आज हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार करना और साथ में इसे लोक जात यात्रा से अपने प्रवासी लोगों को एक करना और अपनी धर्म संस्कृति के बारे में प्रचार प्रसार हो, हमारी आने वाली पीढ़ी को इसका पता चले, क्योंकि आज हमारे सब चीज़ भूल गए हैं। हमारे चौपड़े चले गए हैं, हमारे झूले चले गए हैं, हमारे नन्होले गुप्त हो गए हैं। हम हमारी जो युवा पीढ़ी है वो वेस्टर्न की ओर जा रही है, तो हमारे प्रयास है हम अपनी लोक संस्कृति के जरिए अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपनी नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉक में आपका स्वागत। मैं खड़ा हूँ उस समय मधुकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर, आप दर्शन कीजिए नंदा देवी लोक जात यात्रा, आप माता जी के साक्षात दर्शन कीजिए। यहाँ से देखो कितना सज धज के माताएं बहनें आई हैं, और ये उत्तराखंड से रिलेटेड है पूरा ये समाज, और आप देखिए कि कितने सुंदर तरीके से माँ को भी सजाया है और माँ ने इनको सजाया है। तो दोस्तों, अपन चलते हैं इनकी यात्रा के अंदर,
और यहाँ से चलेंगे अपन उत्तराखंड भवन। सेवा के अंदर कलश यात्रा की पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ से सभी माता बहनें उत्तराखंड भवन की तरफ अभी प्रस्थान करेंगी। रास्ते में बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, माँ के आदर में नृत्य होगा और सभी साथ चल के और उत्तराखंड भवन पहुँचेंगे। उत्तराखंड का कला से यह है दोस्तों मधुकेश्वर महादेव मंदिर। भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लीजिए। थोड़े दिन पहले अपन यहाँ आए थे भगवान जी की रथ यात्रा के अंदर। मैं खड़ा हूँ उस समय मधुकेश्वर महादेव मंदिर कुड़ी। जय महाकाल, भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। ओम त्र्यंबक जय महेश सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकवेक वंदनम मृत्यु मोक्षे मामृता। नाम बताएं? आनंद सिंह। आनंद सिंह जी, क्या कार्यक्रम चल रहा है ये? जो उत्तराखंड जनता समिति की तरफ से माँ नंदा की राज यात्रा मधुकेश्वर महामंदिर महादेव मंदिर से विजयनगर बालाजी पार्क उत्तराखंड भवन तक जाएगी और ये हर साल के भांति इस साल भी इसकी यात्रा निकाली जा रही है। इसमें उत्तराखंड के समस्त वेशभूषा सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम अपने वेशभूषा से माँ नंदा की स्वागत किया जा रहा है। विजयनगर भवन में माँ नंदा की पहुँच कर वहाँ पर इनका पूजा अर्चना की जाएगी। वहाँ से माँ नंदा को विदाई दी जाएगी और जोधपुर से अजमेर, अजमेर से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ होते हुए और भी यथा स्थान अपने कुरूड़ गांव जहाँ माँ नंदा का वहाँ जाएगी।
Thank you.
पहुंच गए हैं उत्तराखंड समिति के भवन में। अब माता जी यहाँ पे विराजमान होगी, कहाँ विराजमान होगी माता जी? इस जगह पे है ना। अच्छा, तो ये इनका स्थान यही है? इनका स्थान तो है गांव में, उत्तराखंड से भी आई ढोली लेके। अच्छा, अभी यहाँ विराज करेंगे। अभी यहाँ विराज करेंगे, फिर शाम को इनका प्रस्थान होगा। आपका शुभ नाम? भोला शंकर कांडपाल। दोस्तों उत्तराखंड भवन, रास्ते में पूरे रास्ते देखा, पुलिस प्रशासन हमेशा की तरह चुस्त है, सुरक्षा के लिए सदैव आगे। जोधपुर पुलिस, राजस्थान। दोस्तों अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। उत्तराखंड के समाज के बंधु वहां से मधुकेश्वर महादेव मंदिर से रवाना हुए थे और जस्ट पीछे की तरफ उत्तराखंड समिति भवन है, यहां पर आकर यह यात्रा विसर्जित होगी और माता जी को अपने स्थान के ऊपर बैठाया जाएगा। समिति यहाँ पर माता जी विराजमान होंगे, सभी माताएं बहनें कलश लेकर अंदर जा रही है। माता जी को विराजमान करने के लिए माता जी की सवारी आ चुकी है।
अपने स्थान को आ रही है, बड़े गौर से दर्शन करें। ये माँ की सवारी आ गई है, ये नंदा मैया के सवारी को विराजमान करवाया जा रहा है भक्तों द्वारा। उत्तराखंड समिति द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम मां नंदा माई की सवारी, ये देखिए माँ के अब अपन नजदीक से दर्शन करते हैं। जय हो नंदा माई की। वो तो तिल का तेल है, घी नहीं है। अब घी तो ही नहीं थे, घी तो मंगाना पड़ेगा। प्रणाम करो, ही मंगाना पड़ेगा। प्रणाम करो पंडित जी को, प्रणाम करो। मेरा भांजा है पंडित जी का। मुकेश राहुल कहाँ है? राहुल का आदमी, राहुल का देता हूँ। राहुल सर, अब क्या कार्यक्रम हो रहा है? जागर जागर, दोस्तों जागर का कार्यक्रम चल रहा है देवताओं को जगाने का। लेडीज एक साइड रखो, क्या रास्ता रोक दो, रास्ता मत रोको, आगे बैठते रहो। हाँ गया गुस्सा जी, लड़का गया हुआ, पाँच मिनट बैठ कर। हमारी ना गरीब आशीष दे जाए।
नंदा माँ को विराजित कर दिया है। अब कार्यक्रम समापन की ओर है, अपन चलते हैं घर की तरफ। सब बिगमत प्रिया जो नीचे किए प्राप्त 15 मिनट सब जना भजन कीर्तन चल रहे हैं। नहीं, मैं तो उसी टाइम आ गया था। तो कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे, बुलेट के अंदर इतनी बड़ी कील घुस गई, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कील चक्के में चली गई। आया हूँ शकुर भाई के पास में, रास्ते में मिस्त्री जी मिल गए, शकुर भाई ने इसको ठीक कर दिया है। आप रेडी हो गई है, चलते हैं घर की तरफ। खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे।